अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर मज़े वाली वीडियो। तो आज यार मैं हूँ शाही किले में। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था ना, हमारा म्यूज़ियम रह गया था। तो आज जो है मैं म्यूज़ियम का रिव्यू देखने हैं। म्यूज़ियम मैंने पहले ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ लाइफ में, मैंने कभी भी ऐसा म्यूज़ियम नहीं देखा। वैसे लाहौर म्यूज़ियम मैंने देखा हुआ, लेकिन शाही किले का मैंने म्यूज़ियम नहीं देखा हुआ। तो अब हम देखते हैं शाही किले का म्यूज़ियम, चेक करते हैं और देखते हैं ये कैसा म्यूज़ियम है, क्या सी अंदर चीज़ें हैं, ये भी मुझे पता नहीं है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को लाजमी दबा देना। यार वो रहा हमारा म्यूज़ियम, ठीक है। तो अब यहाँ से एंट्रेंस है, ठीक है। अभी टिकट शिकट भी देखते हैं कितने की है, और वो हम जा रहे हैं म्यूज़ियम के अंदर। और देखना ये है कि यार इस म्यूज़ियम में आखिर ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैंने कभी फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ मैं, उससे बगैर मैंने पहले कभी भी नहीं देखी है। ये हमारा एंट्रेंस, ओ भाई ध्यान से ओ यार। अच्छा यार तस्वीरें वगैरह मैंने ले ली हैं, ठीक है। म्यूज़ियम देखते हैं, म्यूज़ियम है किधर मुझे समझ नहीं आ रही, मैं म्यूज़ियम जाना। ये रहा म्यूज़ियम गेट यार, ये देख रहे हो सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। हमने इधर से जाना है, इधर से आना है, इधर जाना है, इधर से घूम के ऐसे आना है। यहाँ पे यहाँ तक जाना कैसे है ये नहीं समझ आ रहा। हम यहाँ पे खड़े हैं इस वक्त, ये रेड देख रहे हो आप निशान, इसका मतलब यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। यार मुझे लगा था बहुत ही बड़ा कोई म्यूजियम होगा, लेकिन ये तो हमारे साथ मोए मोए हो गया। सिर्फ ये म्यूजियम है, बस छोटा सा एक, लेकिन कोई बात नहीं, जाके चेक हम लाजमी करके देखेंगे। हो सकता है नीचे बेसमेंट में हो यार। हो सकता बेसमेंट में हो। अगर तो ये इतना सही हुआ ना म्यूजियम, तो इससे बड़ा तो हमारा ड्राइंग रूम है। वो ऊपर लिखा हुआ था म्यूजियम का एंट्रेंस, गलत जगह पे हम देखा। यार ये म्यूजियम नहीं था, ये बारूद खाना था। वो हम फिलहाल चलते हैं वापस। यार हैवी मोए मोए ये हुआ कि यहाँ पे लिखा हुआ था मुस्मान गेट, ठीक है। तो हम ये समझे ये म्यूजियम लिखा हुआ, यकीन करो इसको भी ये लगा था म्यूजियम लिखा हुआ अगर, लेकिन ये म्यूजियम नहीं था, ये बारूद गेट था, पता नहीं क्या था यार, जो भी था म्यूजियम आ गया, ठीक है। तो पहला तो हमारे साथ मोए मोए हो गया, बाकी देखते आके मोए मोए होता है कि नहीं होता। तो यार फाइनली हमें म्यूजियम मिल गया, ये रहा म्यूजियम, ठीक है। ये ऊपर भी है, ठीक है, और वो नीचे भी है। पहले हम उधर चले गए थे गलती से, वो म्यूजियम नहीं था, अभी ये वाला म्यूजियम हमारा, ठीक है। ये पहले नीचे की एंट्रेंस है, विब्राट के जैसे लग रहा है। ये आ गए यार म्यूजियम में, ठीक है। और ये कुछ नाम वगैरह भी लिखे हुए हैं, ये चेक सारे नाम लिखे हुए हैं, साल सिंह, देहान सिंह, देहान कर, फिर इसके बाद दोस्त मोहम्मद खान, ये राजेंद्र सिंह, ये चेक करो, ये पूरी कॉपी नहीं लग रहा तो ये सिखों की तलवारें हैं, ये यार ये जो है ना ये ब्रिटिश की आ जाएगी, ठीक है, और ये सिखों की आ जाएगी, और ये हमारे मुगलों की तलवारें आ गई। ये जो तलवारें हैं ना, ये बच्चों के सिखाने के लिए, भाई साहब कह रहे हैं ये बच्चे बुच्चे जितने भी तलवार देते हैं उनकी तलवारें के लिए है। मेरे तो लोग देख रहे थे यहाँ पे, वैसे गन चेक कर यार, ये आ गई। ये किसका है?
ये जीरा गेंडे की खान की दाल बनी हुई है और ये मुगलों का सामान है सिखों का। मुगलों और सिखों का ये तो यार ये गन तुम लोग चेक करो कितनी कमाल की, कितनी पुरानी गन है ये। ये है तकरीबन 1799 से लेके 1846 तक है, यानी कितनी पुरानी है ये चेक करो। ये भी है 1799 से लेके 1886। ये आ गई राइफल, राइफल देख खाता मैं बोला यहाँ चेक कर। ये आ गए इनके ढोल वगैरह, सिख दौर का बैंड है ये, सिख दौर का बैंड है भाई। इनका भी बैंड जैंड होते थे यहाँ पे, कॉन्सर्ट वगैरह जो होते थे ना, सारी चीज़ें तुम लोग चेक कर लो। अभी हम आगे भी चलते हैं, आगे भी और मज़े मज़े की चीज़ें, पेंटिंग्स हैं यहाँ पे। बस सोचे हैं यार, वो काफ़ी काफ़ी पुरानी गन्स हैं ये, जब मैं छोटा था ना ऐसी गेम्स में आती होती थी। ये रहा यार घोड़ा इनका पुराना उसी टाइम का है, लेकिन ये घोड़ी है इसका नाम है, ये रियल है ये। अच्छा ये रियल है लेकिन इसको स्टफ कर दिया गया। तो यार यहाँ से ना नया ऊपर का देखते हैं, ठीक है। पहले हमने नीचे विजिट किया है, अब हम ऊपर विजिट करते हैं। और ये आ गया जी दिलीप सिंह, नजर आ गया था होगा मेरा ख्याल है, ठीक है। फिर उसके बाद ये री शहजादी बम्बा चेक करो यार। अच्छा उस दौर में भी फैशन वगैरह फुल है। फिर उसके बाद ये रे माशाल्लाह पेंटिंग चेक करो यार, किसने बनाई होगी पेंटिंग। ये रणजीत सिंह की कोट, अच्छा ये हम कोट में खड़े ये चेक करो। ये आ गया जी दिलीप सिंह का बचपन। फिर उसके बाद ये आ गया जी दिलीप सिंह विद अटेंडेंट्स खिदमतात। फिर ये कौन है, ये भी दिलीप सिंह, अच्छा सारा दिलीप सिंह का ही है सारा। ये राजे मिर्जा मुगल, ये राजे आपका प्रिंस जवान, हाँ ये वही ये मिर्जा ही है, हाँ मेरा शेर सिंह चेक करो यार इसकी मिर्जा। अभी भाई देख के डर लग रहा तो साहब लगा ये रियल में हो तो क्या करेगा, कच्चा ही खाइएगा सामने आइए इधर। ये रहा शेर सिंह की मजलिस, ऐसे यार ये शुगर मेला लगाते होते थे। ये रहा सारा जब अंदर एंट्रेंस वगैरह होती थी ना बनारस का कुदरती मंजर, पहले इस तरह ये सारा व्यू इसी तरह ही होता था पहले। और ये आ गए जी गुलाब सिंह, ये राजी दिल्ली का कुदरती मंजर, हाय 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 खूबसूरती चेक कर यार दिल्ली दरवाजे। अब ये आ गया है जी हमारा संगे मरमर के हाथ, कहा जाता है ये रानी जिंदा के हाथों की नकल है।
कड़क सिंह, ये है जी कड़क सिंह की हवेली जी, हमें जाने नहीं दिया था उस बंदे ने, याद है कड़क सिंह को भी ले गए थे हम, ये है जी कड़क सिंह। कड़क सिंह बड़ा तू सुनता है तपाया वैसे। फिर इसके बाद ये मूर्ति है, ये मैं एंड पे दिखाऊंगा आपको, ये रहा जी नौहाल नौल सिंह। सही है भाई, तुम्हारा तो जिंदगी मस्त थी वैसे। ये रहा जी आपकी मूर्ति, चेक करो यार, ये देखिए जरा क्या लिखा हुआ वहाँ पे, किसकी है ये, दिलीप सिंह ही है ये। दिलीप सिंह चेक करो यार तुम, कब 14 साल लिखा हुआ कि 15 साल की उम्र में ये बना। तो यार हमने ऊपर भी तुम लोगों को सारा व्यू शू दिखा दिया, ठीक है अब हम वापस चलते हैं नीचे, देखते हैं कुछ और चीज़ रहती भी है नहीं रहती। तो ऐसे मज़े मज़े के इंटरेस्टिंग अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर लाजमी दबा देना। और अब हम चलते हैं, देखते कुछ हमारा रह तो नहीं गया। तो यार म्यूज़ियम था यहाँ पे यही, अभी टाइम पड़ा हुआ है, तो अब हम चलते हैं बादशाही मस्जिद। लेकिन वो जो व्लॉग जो होगा वो नेक्स्ट व्लॉग में अपलोड करूँगा, उसको भी मतलब लाजमी देख लेना। तो अब हम चलते हैं बादशाह मस्जिद, क्योंकि बादशाह मस्जिद बिल्कुल पास ही है। तो अच्छा म्यूज़ियम जो था वो इतना ही था, फर्स्ट मोए मोए होगा, सेकंड चला थोड़ा बहुत देख लिया था, लेकिन आधा देखा था वो लाइट चली गई थी। अब नेक्स्ट जो सर बादशाह मस्जिद चलते हैं, लेकिन वो बोलते तुम लोग व्लॉग होगा ना, तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।